मीडिया में आप रूबरू हो पाएंगे एनएसडीसी की रिपोर्ट से, जिसके मुताबिक कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट से जुड़े करियर विकल्पों में 2022 तक तकरीबन 76 मिलियन स्किल्ड वर्कर की जरूरत पड़ सकती है। आइए जानते हैं विस्तार से। कृषि के बाद कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण का क्षेत्र देश में ऐसा दूसरा बड़ा क्षेत्र है जहां हर साल बड़े पैमाने पर नौकरियां मुहैया करवाई जाती है। मेक इन इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का निर्माण उद्योग 126 अरब अमेरिकी डॉलर का है। 50% के निर्माण की मांग इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से आती है। एक अनुमान के मुताबिक भारतीय रियल एस्टेट का बाजार सन 2013 में तकरीबन 78.5 अरब अमेरिकी डॉलर का था, जो कि सन 2017 तक 140 अरब डॉलर पहुंच सकता है। देश की टोटल 50% वर्कफोर्स और 44% के करीब इस कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सेक्टर में जाती है। एग्रीकल्चर के बाद ये ऐसा अकेला सेक्टर है जिसके अंदर इतनी वर्कफोर्स काम कर रही है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री 7-8% के हिसाब से ग्रोथ कर रही है, और इसके ग्रोथ की सबसे ज़्यादा, अगर मैं कहूँ कि पूरी इंडस्ट्री के अंदर किसी के ग्रोथ के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है। नई टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन में भी आ गई है, तो उसके लिए नए लोगों की जानकारी है। पुराने ईंट पे ईंट डाल के बनाने वाले नहीं है, प्री फैब्रिकेटेड प्रोडक्ट्स आते हैं जिनको जोड़ना होता है। पहले देखते थे कि एक फ्लाईओवर बनने में दसियों साल लग जाते थे, और आज मेट्रो को देखिए तो 100-100 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर उन्होंने 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के अंदर में एक तरीके का फ्लाईओवर ही है। तो दो हज़ार प्री फैब्रिकेटेड स्लैब्स जिसको वो जोड़ते हैं, तो इसके अंदर भी टेक्नोलॉजी जो आई है, इसको समझने की क्षमता या जो लेबर इसमें काम करेगी उसको उस तरीके की ट्रेनिंग देने के लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस सेक्टर को काम करने वाले नौजवानों की जरूरत हमेशा रहती है। निर्माण का ये क्षेत्र में कई प्रकार के स्किल्स यानी कौशल की जरूरत पड़ती है, यानी मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन जैसे लोगों की मांग हमेशा रहती है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप सुपरवाइजर का काम भी कर सकते हैं। अगर इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा होल्डर हैं, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भाग्य आजमा सकते हैं। जरूरत है कुछ नया सोचते हुए कड़ी मेहनत करने की। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इस समय हमें हर तरह के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल लोगों की आवश्यकता है। हमें इंजीनियर्स की बहुत आवश्यकता है। इंजीनियर्स चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग से हों, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स हों, और हमें MBAs की भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मैनेजमेंट का एक मेजर रोल है। काफ़ी बड़े बड़े हमारे इस वक्त कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, सो वी रिक्वायर मैनेजमेंट ऑल्सो फॉर दैट। मैनेजमेंट में MBA फाइनेंस भी चाहिए हमें, MBA विद HR भी चाहिए, वी रिक्वायर MBA सेल्स, MBA मीडिया एंड मार्केटिंग। निर्माण का एक क्षेत्र अपार संभावनाओं को अपने में समेटे हुए है। मेक इन इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2001 तक भारत की शहरी आबादी तकरीबन 268 मिलियन थी, जो कि 2011 में 32% वृद्धि के साथ 377 लाख बढ़ चुकी है। ऐसी उम्मीद है सन 2030 तक शहरी आबादी 590 मिलियन पहुंच सकती है, यानी बढ़ते शहरी विकास के साथ निर्माण क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री का एक विजन है, सपना है कि 2022 में जब 75 साल देश की आज़ादी के हों और महात्मा गांधी की बरसी हो, उस टाइम तक हर घर आदमी को एक घर, अफोर्डेबल हाउसिंग जरूर मिलनी चाहिए। उनका एक नारा है, हर इंसान को एक घर जरूरी है। खाली घर नहीं बनेगा, घर के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, मार्केट डेवलप होगी, रोड डेवलप होगी, स्कूल्स बनेंगे, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेज, स्कूल्स एंड लॉट ऑफ अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। सो दिस इंडस्ट्री विल कंट्रीब्यूट अ लॉट इन टोटल इकोनॉमी। निर्माण के क्षेत्र में ऐसे तमाम अवसर हैं जहां करियर बनाया जा सकता है, बस जरूरत है मजबूत जज्बे के साथ नई चुनौतियों को स्वीकार करने की।